जो लोग बोल सकते हैं वो तो अपने लिए खुद लड़ सकते हैं, लेकिन जो बेजुबान होते हैं उनके लिए आवाज इस वक्त उठा रही हैं रश्मि देसाई। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स। मैं हूं ज्योति नाहक। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं @ज्योति_नाहक7 पर। आप सभी को बता दूं कि रश्मि देसाई जो कि हमेशा सही और गलत के बीच का जो डिफ्रेंसिएशन है वो रखती हैं और हमेशा ही सही चीज का साथ देती हैं। बिग बॉस में भी हमने उन्हें एज अ फाइटर स्पिरिट देखा था और अब ऐसा लग रहा है कि बाहर वो आवाज उठा रही हैं सही चीज के लिए। जी हाँ, रश्मि ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं। ये तस्वीरें हैं जोरा की। जी हाँ, जोरा एक पेट है। और क्या हुआ है उनके साथ और रश्मि क्यों भड़क गई है सोशल मीडिया पर, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए ये तस्वीरें। ये जोरा है जिनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। जी हाँ, एक ड्राइवर ने सरेआम उनके ऊपर से कार चला दी एंड जोरा इज नो मोर बिटवीन अस। और इसी बारे में बात करते हुए रश्मि ने आपको दिखा देती हूँ कि एक पोस्ट जो है आप देख सकते हैं शेयर किया है और इतना बड़ा नोट रश्मि ने लिखा है जो मैं आपको बताती हूँ। रश्मि इस पर लिखती है, पीपल आर सो क्रूअल दीज डेज एंड इन दिस कंट्री लॉ फॉर एनिमल हरासमेंट एंड किलिंग देम इज ऑल्सो लो ओनली। क्योंकि इंसानों को मारने पर जब इतनी मुश्किल से कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता है तो फिर जानवरों के लिए कौन लड़ेगा। उसी के साथ साथ रश्मि कहती है, नो बडी केयर्स एंड दे आर फ्रीकिंग यूजलेस, नो बडी विल ऑल्सो पे अटेंशन टू दिस, इफ हैव हार्ट देन प्लीज हेल्प एंड डू समथिंग अबाउट इट, जस्टिस फॉर जोरा। कहीं ना कहीं उन्होंने गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि प्लीज एनिमल लॉज को स्ट्रांग बनाइए इस कंट्री में ताकि हर किसी को डर लगे ऐसा कुछ करने से पहले। इस पर आप लोगों को क्या है कहना बताइएगा जरूर।